यार मुझे तो लगता है कि हमारे खरगोश जो है ना है ही नहीं। ऐसी फील आ रही है कि हमने खरगोश पाले नहीं हुए। देखे ना आप यार, एक नजर आ रहा है, बाकी कोई पता ही नहीं है। शायद हमने जो बनवा लिया है ना, इसमें छुपे रहते हैं। हम अगर ओपन रखते ना इसको, शायद फिर हम इनको देख भी पाते। लेकिन हमने ये सुना है कि ये ऐसे माहौल में रहना पसंद करते हैं। नहीं है भाई, है ही नहीं, चले गए वो, पता नहीं जमीन के अंदर। ऐसे यार ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ता है, ऐसे मजा ही नहीं आता यार। आ जाओ छोड़ो इनको, इसके काम देखें यार जरा। दरवाजा खोल के नीचे आ गया था मैं, ये तो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं यार, पता ही नहीं चलता मुझे। यार ये सिम्बा का क्या करें यार हम, ये हर वक्त बाहर चला जाता है दोस्तों। वाइट बकरी और सिम्बा जो के हर वक्त ये नीचे उतर जाती हैं, जो ही दरवाज़ा खुलता है नीचे उतर जाती हैं। ये बच्चे देने वाली बकरी बहुत शरीफ है, ये नीचे नहीं जाती। लेकिन सिम्बा और वो बकरी एक उधर ही है, बाहर ही है यार। मैं उसको लेकर नहीं आ सका क्योंकि सिम्बा को मैं उठा रहा था, उस ड्रग के पीछे ही है, वो खाना वगैरह खा रही है। लेकिन यार क्या करें, इनका समझ यार ही बहुत मुश्किल काम है ये भी। हाँ वेरी गुड यार, बहुत अच्छा यार इसने बनाया हुआ है जो जो का घर। कलरिंग करो ना, अभी शुरू कर रहा हूँ। अच्छा छत यार बहुत प्यारी बनाई है तुमने, सिर्फ ज्यादा ना करना, भी सूख रही है, सूख रही है, सूख रही है क्या है वो, वगैरह लगाई है ना इस वजह से। अच्छा ठीक है यार, ठीक है चलो बनाओ जल्दी जल्दी इसको। यार ये वही चिड़िया है जो हमने ना पिछले दिनों ली थी ना, और बाकी सब तो आजाद हो गई थी। आज मुझे दिखाई दिया कि ये मास्टर केज में घूम रही हैं। ये देखें दोस्तों, ये इतना तेज है ना ये दोस्तों, हाथ में तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये दो मास्टर केज में बच गई हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि मास्टर केज में अगर ये ब्रीड कर लें तो अच्छा होगा, अगर नहीं करेंगे ब्रीड तो हम इनको हम रात के टाइम पकड़ेंगे और सुबह आजाद कर देंगे। तो अभी इनको इधर ही रहने देते हैं। भाई मुझे लगता है ये कुड़क हो गई है, ये देखो हाँ वाइट वाली। अरे माशाल्लाह, इसको बिठाना है अंडों पे? हाँ ना क्यों नहीं बिठाना, अंडे तो मेरे पास हैं तकरीबन 8-9 हैं, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर क्यों बैठी हुई है भाई? क्योंकि इसने अंडे यहाँ पे दिए ना सारे फ्लश फ्लश में, इस वजह से उठा लेते हैं। अंडे तो है नहीं बेचारी, गर्मी में बैठी हुई है। इसकी अच्छी सी जगह बनाएंगे दोस्तों सुबह सुबह, अभी तो शाम होगी और हमने इसकी प्रॉपर कोई जगह बनानी है अच्छी वाली। फिर दोस्तों देखते हैं यार ये अपने अंडों को सही से इनक्यूबेट करती है या नहीं करती। लास्ट टाइम यार इसने सारे खराब कर दिए थे ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो अभी दोस्तों छोड़ देते हैं इसको इधर ही, और ये पक्की वाली कुड़क हुई है यार। तो यार माशाल्लाह बहुत ही यार ये एक्टिव है सिल्की और उसकी पार्टनर, अब ये भी अंडे देने वाली है। तकरीबन 5-7 दिनों तक इसकी पार्टनर ने भी अंडे दे देने हैं, और हम जब सिल्की को अंडों पर बिठाएंगे ना, छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, बहुत मजा आएगा। तो यार अब बारी है रंग करने की। नीला रंग है हमारे पास, यहाँ पर लगेगा फाउंटेन में। उसके बाद एक ग्रे रंग है पहाड़ों के लिए, ये वाइट रंग है थोड़ी सी शेडिंग के लिए, ये वाला भी शेडिंग के लिए है। तो यार शुरू करता हूँ अब इसमें रंग करना, और मुझे लगता है कि बहुत प्यारा बनने वाला है यार ये हमारा घर जोजो के लिए। तो यार यहाँ पर घास भी लगाना है, वो भी मैं तोड़ के आऊँगा अभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं यार, यहाँ पर कलरिंग करते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद हमारा जोजो का घर कितना प्यारा बनता है। यस तो यार सिप्तहन ने ना इधर ब्लू कलर कर दिया। ये जोजो का स्विमिंग पूल है, और ये बाउंड्री इसका मतलब ये है कि पहाड़ों के अंदर स्विमिंग पूल है। ये पहाड़ सिप्तहन ने बनाया है, लेकिन लगता नहीं है कि भाई ये तुमने ये माउंटेन्स बनाए हैं, उस तरह की शेप नहीं आ रही सिप्तहन भाई। अभी कलरिंग और होगी ना, फिर पूरा माउंटेन लगेगा। यार सिप्तहन ने जिस कॉन्फिडेंस से बोला था ना कि मैं बना लूंगा, उसे बना ही लिया। मुझे नहीं लगता कि ये बना लेगा, लेकिन इसने जो बोला वैसा ही करके दिखाया इसने। ये जोजो का घर अंदर जाएगा, यहाँ पर रहेगा, और ये स्विमिंग पूल, और यहाँ पर जो जो ऐसे ही। यहाँ पर क्या करोगे सिप्तहन? ग्रास लगाना। अच्छा यार अच्छा लगेगा, चलो चलो बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। जी भाई मैंने ही बनाना है। हाँ बनाओ यार। ये है ये यार सिप्तहन, यार ये एक दिन हो गया घर नहीं आई थी, तो अभी मुझे नजर आई। पता नहीं यार ये रहती कहाँ पर है, रात को भी नहीं आती, सुबह भी गुम होती है। अभी अचानक मेरी नज़र पड़ी, मैं तो डर गया था कि ब्लैकी चली गई है छोड़ के हमें, भाग गई है। लेकिन ब्लैकी इधर ही है, इसको मैं बुलाता हूँ यार। ब्लैकी, अरे यार ये यार चिकन दो मुझे, ब्लैकी के चिकन। ब्लैकी यार 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 ये हटो हटो तुम, हटो तुम। ब्लैकी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागना नहीं भागना नहीं, आ जाओ आ जाओ। नहीं भागना नहीं भागना नहीं यार, मैं कुछ नहीं करता, ये क्यों भाग रही है मुझसे? वो देखें ब्लैकी खुद चलेगी, और उधर से कौवे ने हमारी बोटी उठा ली है। जो मैंने ब्लैकी के लिए चिकन रखी थी ना, वो कौवा लेके चला गया। ये इतना तेज हो गया ना कौवे, मैं आपको बता नहीं सकता यार। इधर ना डालो ना। चलो और क्या करूँ मैं बताओ। ठीक है खाने दो इसको, चलो खाओ। अरे अरे ये देखें दोस्तों, कितना भूखी थी बेचारी, और मजे से खा रही है अभी। यहाँ तक काट दो यहाँ तक।
ले ले यार सिप्तान ने इतना घास तोड़ा है और ये मेरे ख्याल में आ जाएगा उसके फर्श के ऊपर ना। ले यार बिछाओ। क्या घर बन गया यार जोजो का, माशाल्लाह। ये लो सिम्बा। तो यार घास तो डाल लिया हमने, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी तुराब जो है ना बजरी डाल रहे साइडों पर, इससे क्या होगा घास भी हमारा टिका रहेगा और प्यारा भी लगेगा। फाउंटेन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। अभी जो जो को लेके आते हैं और जो है ना उसको छोड़ते हैं अपने घर में। डालो अभी और भी डालो, कम है और भी लेके आनी पड़ेगी। तो यार मैंने और बजरी निकाल ली है, तो अब क्या करते हैं यार जोजो को जो है ना, मैं हाँ जी देख लेते हैं यार कैसा है, ठीक है कि नहीं है। भाई बिल्कुल ठीक है यार जोजो हमारा। ये देखें अभी कुछ ही देर में यार ये नए घर में शिफ्ट होने वाला है अपने। यार तुम्हारा नया घर बना रहे हैं भाई, बहुत खुश होगा यार वहाँ पर ये। अभी इसको अभी पुराने घर में ही रहना पड़ेगा इसको कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तुम्हें यहाँ रहना भाई। तो फाइनली यार मेरी मेहनत रंग लाई और हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ पानी डालना है, वो भी डालते हैं हम। यार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जोजो को पकड़ो। इसको नहीं पता कि यार इसका एक स्पेशल घर बन चुका है। सही बात है। और यहाँ पे इसको कोई भी लिफ्ट नहीं कराता यार, अकेला है बेचारा। इसके लिए तो इसका दोस्त भी लेकर आएंगे क्योंकि अब तो इनका घर अकेले वाला बन गया। हाँ हाँ अब इसको तो ले आओ ना। जो ये देखो इसने मुंह अपना छुपा लिया है, जो इसको मैं उठाता हूँ ना दोस्तों ये अपना मुंह छुपा लेता है। तो इसको अब दिखाते हैं इसका नया घर, और ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में वहां पर रिलैक्स रहेगा। इसकी अलग से स्विमिंग पूल है, अलग से इसका घर है, कमरा है, घास सारा कुछ, नेचुरल माहौल हमने दिया है इसको। तो ये इसका जोजो का घर, जोजो देख लो तुम्हारा घर बन चुका है, तुमने यहाँ पर ही रहना है तुम्हारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोस्त भी लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको छोड़कर देखता हूँ यार, देखते हैं ये अपना मुंह बाहर निकालता है, चलने की कोशिश करते हैं। ये अभी डर रहा है सिप्तान मेरे ख्याल में। जोजो जोजो आ जाओ। नहीं नहीं इसको इधर 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 रखते हैं। हाँ भाई जोजो जोजो नहीं भाई लगता है इसको पसंद नहीं आया। नहीं नहीं भाई इतनी मेहनत की है भाई, 3 दिन लग गए मुझे, दिन रात एक कर दिए मैंने। और इसके काम देखे पर होता है, ये चलेगा देख लो। पानी डाल लेते हैं ना, पानी डाल। अरे हाँ पहले इसको इसमें डालो फिर अपनी मर्जी से बाहर आएगा ये, पानी में खुश होता है ये। पानी में डाल लेते हैं, चलो डालो आने दो। ये देखो जोजो भाई इतनी मेहनत की यार तुम्हारे लिए यार। ऐसे फुल हो गया, काफी है ना। हाँ काफी है। यहाँ पर अभी खुद जाएगा ये, जब पानी देखेगा ना नीचे जरूर जाएगा जहाँ तक ये देखे। क्या बात है भाई, अब देखना इसको ये, इसकी खुशी देखना अब आप। ये देखें कैसे तैर रहा है, अकेला है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है इनको। जब चाहिए बाहर भी आ सकता है, अंदर भी जा सकता है छांव में। बहुत ही भाई मजे ही मजे होने वाले हैं इसके तो। जो जो खुराक लेकर आता हूँ फिर इसको। ये लो जो खाना खा लो, चलो 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 बस काफी है इतना। देखते हैं यार खाता है या नहीं खाता। ये देखें ये खाएगा खाएगा, अच्छा बच्चा है। हाँ शाबाश 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 शाबाश। ये देखें यार कितना खुश है हमारा जोजो, अभी खाना भी खा रहा है। हाय हाय, पहले तो हमने देखा नहीं था इसको खाते हुए, अब अकेला हुआ है तो हम इसको देख भी सकते हैं कि ये कितना खा रहा है, इसकी सेहत कैसी है, सब कुछ हम देख पाएंगे। और यहाँ पर तो मेरे ख्याल में इसको होने कुछ नहीं वाला, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगा यहाँ पर ये। तो जोजो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खुश है और इसने यहाँ पर खाना भी खाया है और आराम से यहाँ पर रहेगा। जब इसका दिल करेगा ये बाहर घूमता रहेगा, और जब इसका स्विमिंग करने का दिल करेगा ये पानी में आ जाएगा। तो अभी देखे दोस्तों बाहर जा रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ये, तो ये बहुत अच्छा हो गया यार। तो ये जोजो दोस्तों यहाँ पर रहेगा आज से। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।